अवैध संबंधों के चलते हुई थी नाबालिग लड़कियों की गला घोटकर हत्या। लखीमपुर खीरी पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम जीराबोझी में दिनांक 2 फरवरी 2019 को दो नाबालिग लड़कियों के शव बिजली के खंभे से लटकते हुए पाए गए थे, जिस पर पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक पूनम ने बताया, इन्होंने वहीं पर कैंप किया और 2 दिवस के अंदर घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार पाया गया कि जो 2 बच्चियां हैं, जिसमें एक की उम्र 13 वर्ष है विक्टिम 1 और दूसरी बच्ची जिसकी उम्र 12 वर्ष है विक्टिम 2, ये दोनों उस दिन घर से बकरियां चराने के लिए निकली और 2-3 बजे के आसपास, और उसके बाद ये खेत में बकरियाँ चरा रही थी, वहीं पर लकड़ियाँ भी मिलती थी। जब 5 बजे के आसपास सब लोग जो गन्ना चलाई कर रहे थे वो वहाँ से चले गए, तो जो बड़ी बच्ची है इसके पास उसी गांव का जीरावती गांव का एक आनंद नाम का युवक आया जो इसको गुटखा दे रहा था, और उसी समय एक जो छोटी बच्ची का भाई है आशीष वह वहां से गुजरा और उसने जैसे ही इसको देखा इसके पास गुटखा खिलाते हुए, तो उसने तुरंत दौड़ कर घर पर जाकर सूचना की। मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर और घर से उनके घर से जो बड़ी बच्ची है इसके चाचा रामरीतन और इसका कजन है नेत्रा और जो छोटी बच्ची है इसका भाई राहुल, यह वहाँ पहुँचे और बड़ी बच्ची से रामरीतन ने मारपीट भी की और पूछताछ की आनंद के बारे में, और उसी में आवेश में आकर इसने बड़ी बच्ची का गला घोट कर वहीं पर हत्या कर दी, जहां चप्पल मिली थी और लकड़ियां जो बीनी हुई थोड़ी सी पड़ी थी वहां पर इसकी हत्या की थी। इसको देखकर जो छोटी बच्ची जो 12 वर्ष की है वह दौड़कर गांव की तरफ पहुंचने लगी, तो जो 2 अन्य हैं अभियुक्त ये राहुल और नेत्राम उन्होंने इसका पीछा किया, और जब यह उस पोल के पास पहुंची थी उसके नीचे तक पहुंची थी तब वहां पकड़ लिया और राहुल ने इसके पैर पकड़ लिए और नेत्राम ने वहां इसका भी इसके दुपट्टे से गला घोट कर इसकी हत्या कर दी, और राम रीतन बड़ी बच्ची को अपने के शव को कंधे पर रखकर उस जगह से जहां चप्पल मिली थी उससे और उसे पोल तक लेकर आया, और वहीं नीचे पोल के पास दोनों शव रखकर इन तीनों ने योजना बनाई कि गला घोट कर हत्या की गई है, तो इनको इन्हीं दुपट्टे से बांध कर यहाँ पोल पर लटका दिया जाएगा तो लोगों को लगेगा कि इन्होंने आत्महत्या की है, और तब इन्होंने इनको वहाँ पर लटकाया और फिर उसी जो छोटे रास्ते से जो मुश्किल से 100 मीटर के लगभग फिर आगे गांव रह जाता है उससे गांव में पहुँच गए, और वहाँ जाकर फिर इस तरीके की इन्होंने सूचना दी कि बकरियाँ आ गई हैं लड़कियाँ नहीं आई हैं, और जिससे गाँव के लोग और परिवार के बाकी लोग सब इन बच्चियों की जो खोजबीन करने के लिए खेत में पहुंचे, और जब उन्हें वहाँ पर शव लटके हुए देखे तब उसको सूचना दी और उन्होंने वहाँ पर शव उतार दिया। इनकी जो अन्य जो वहाँ पर साक्ष्य मिले थे उनको सबको जब समेटा गया तो पूरा घटनाक्रम धीरे धीरे सामने आया, और पूछताछ के दौरान फिर इन अभियुक्तों ने तीनों ने और जो जो इससे जुड़े हुए जितने पक्ष थे सबने पूरे घटनाक्रम में अपना जो ये बात है उसको कन्फेस भी किया, और फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया और पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा गया, और इस पूरी बात में सत्यता पाई गई।